sakirtanam tatra tatra kritamastakanjalim vaspavari paripurnalochanam marutim namatarakshasantakam nama pitecha maduram maduram svarupam karma pitecha maduram madurasmritischa buddhim prabodhaya prabho madhubodha shaktim vidyam prayatsa paramam paribhavayami komalam kujayan venum shyamaloyam kumarakah vedavedyam param brahma bhasatam hridaye mama kujantam rama rameti madhuram madhuraksharam aruhya kavita shakham vande valmiki kokilam yugam kalpataror galitam phalam sukamukhadamritadravasayutam pibata bhagavatam rasamalayam muraho rasika bhuvibhavukah Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama Dharma ki adharma ka praniyo na vishwa ka go mata ki go hatya bharat hara hara mahadev Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Shri Krishna Govinda Hare Murare Ye Nath Narayana Vasudeva Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Shri Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Namo Madhvya Sambho Shiva 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 Narayana 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 Yadaditya Gatam Tejo Jagadbhasayate Khilam Yachandramasi yachagnav tattejo vidhimamakam Gama visyacha bhutani dharayam yamojasa Usunami chausadhi sarvah somo bhutvara satmaka Amvaishvanaro bhutva praninam dehamasita Pranapana samayukta pachamyannam chaturvidham narayana भगवान चिद रूप है और विभु है अचिंत्य माया शक्ति के योग से
सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न देव है। साथ ही साथ वेदांत प्रस्थान के अनुसार वे जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, सर्वाधिष्ठान है, अतएव सर्वरूप है। सत्व गुण के कारण उनकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति प्रकाश स्वरूप होते हुए प्रकाशक सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत रूपों में होती है। ये जो पारखी मनीषी हैं वे सूर्य चंद्र अग्नि और विद्युत के माध्यम से चिद्रूप परमात्मा का अनुशीलन करने में समर्थ होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य अभिव्यक्तियां विभूति मान्य हैं। इन विभूतियों के माध्यम से भगवान सर्वरूप हैं, सर्वाधिष्ठान है, सच्चिदानंद स्वरूप है और वस्तुतः जीव तथा जगत के रूप में वे उल्लसित हैं। माया शक्ति के कारण ही एक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में परिलक्षित होते हैं। माया का अपनोदन कर देने पर भगवान केवल सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहते हैं, वही उनका मौलिक अर्थात तात्विक स्वरूप है, अर्थात उसी को तत्व समझना चाहिए। इस रहस्य को व्यक्त करने की भावना से यहाँ पर चार श्लोक अभिव्यक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से। आदित्यगत तेज के रूप में भगवान का अनुशीलन दर्शन करना चाहिए। दसवें अध्याय में अर्जुन जी का वचन सन्निहित है, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। प्रभो आप सकल विभूतियों से रहित योग माया से भी अतीत हैं। आपका जो वह वास्तव परमार्थ रूप है उसमें नाम रूप लीला धाम की गति नहीं है। मन निरालंब होने के कारण चंचल होता है। सहसा उस तत्व की धारणा मुझ जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अतः आप अपनी उज्ज्वल अभिव्यक्तियों का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से मैं आपका चिंतन कर सकूं। शाखा चंद्रम न्याय है, दूध का क्षीणप्राय चंद्र देखना हो, नेत्र ज्योति को शिथिल हो, तब सहयोगी कहता है कि शाखा पर दृष्टि केंद्रित कीजिए। शाखा पर दृष्टि केंद्रित करने पर फिर कहता है कि ऊपर दृष्टि को केंद्रित कीजिए, तब व्यक्ति को द्वितीय के चंद्रमा का दर्शन होता है। इसी प्रकार उज्ज्वल अभिव्यक्ति का आलंबन लेने पर विभूति के अधिष्ठान स्वरूप सार रूप भगवत तत्व के अधिगम का मार्ग प्रशस्त होता है। सहसा भगवान में मन रमा पाना कठिन है। बात यह है कि अपनी अधिकार संपदा का अंकन करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम स्वयं को सगुण साकार समझते हैं तब तक हमारे इष्ट भी सगुण साकार ही हों, तब उनका ध्यान सर सकता है। हम स्वयं को सगुण साकार जानते और मानते हैं,
हमने इष्ट चुना सगुण निराकार को। साकार का जो पक्षधर चित्त बन चुका है सहसा निराकार में रम नहीं सकता। हम स्वयं को सगुण निराकार समझते हैं, इष्ट चुना हमने निर्गुण निराकार को, तो सगुण में संलग्न मन सहसा निर्गुण का चिंतन नहीं कर सकता। परोवरीय क्रम से चिंतन करने पर शनई शनई मन में सूक्ष्मता की अभिव्यक्ति होती है और सत्य सहिष्णुता भी प्राप्त होती है। जो चरम सत्य है वो तो दार्शनिकों को भक्तों को भी नहीं पच पाता। सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, लोक में ही जिनकी मति रची पची है उनसे तो उस वेदांत वेद्य परम तत्व का चिंतन क्या बनेगा। भगवत भक्त भी या तो उस तत्व को मानते ही नहीं, मानते भी हैं तो उसे गौण करके प्रस्तुत करते हैं। उनके मन में भी प्रायः वह क्षमता नहीं होती कि उस तत्व का अधिगम कर सकें और उसमें मन को रमा सकें। इसलिए बहुत ही सत्य का परिचय देते हुए मान्य सूरदास जी ने कहा, निरालंब मन इत उत धावे, आपका निर्गुण निराकार निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन जो स्वरूप है वह तो शास्त्र प्रतिपाद्य होने के कारण हमको मान्य है, लेकिन हमारे मन की योग्यता इस स्तर की नहीं है कि हम उसमें मन को सहसा रमा सकें। इसीलिए सूर सगुण लीला पद गावे, या जो सूरदास है सगुण जो सर्वेश्वर परमात्मा है उनका यशोगान करने में प्रवृत्त हुआ है। सूरदास जी जब कह सकते हैं कि निरालंब मन इतुत गावे, तो फिर सामान्य व्यक्ति इस तथ्य को क्यों नहीं स्वीकार कर सकता। अतः अपने को धोखा में नहीं रखना चाहिए, किसी अन्य के प्रति धोखा का व्यवहार ना हो, या तो कठिन है होना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति स्वयं को ही धोखे में रखता है। तो जब तक सगुण साकार की उपासना सुदृढ़ ना हो जाए तब तक सगुण निराकार में मन का रम पाना कठिन होता है। यद्यपि मन रसिक है, रसलंपट है, लेकिन संक्रमणशीलता या चंचलता की भी इसमें पराकाष्ठा है। तो जब अभिमत ध्येय पदार्थ रम्य पदार्थ वरणीय पदार्थ इसको मिल जाता है तब तनिक भी चंचलता का परिचय नहीं देता, उस तत्व में स्थिर हो जाता है। जैसे संक्रमणशील संचरिक को भौरा को दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प मिल जाता है तो वह सर्वतोभावेन उस पुष्प के पराग का मकरंद का ही आस्वादन करता है। उपनिषदों में कहा गया, मकरंद का आस्वादन करता हुआ भ्रमर पराग पर भी चित्त केंद्रित नहीं करता, क्योंकि पराग से भी प्रत्यक्ष या अंतरंग पदार्थ मकरंद है। उसमें जिस भंवरे का चित्त रम जाता है वह प्रमा वह पराग की ओर भी समाकृष्ट नहीं होता है। तो मन रसिक रसलंपट है लेकिन चंचल भी है, उसकी चंचलता का प्रनोदन करने के लिए अधिकार की सीमा में उपास्य का अंकन करना चाहिए। यद्यपि उपास्य तत्व एक है लेकिन उसके प्रकार में भेद है, इस पर विचार करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्णचंद्र का वचन है, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, निष्ठा एक वचन का प्रयोग है, निष्ठा एक है द्विधा दो है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, निष्ठा के प्रकार दो हैं, स्वरूपता निष्ठा एक ही है।
इसी प्रकार भगवत तत्व एक ही है, लेकिन अपने आप में वह अद्वितीय है और औपाधिक धरातल पर वह सगुण भी है, साकार भी है। मौलिक उसका स्वरूप निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ही है, लेकिन औपाधिक धरातल पर वह सगुण और साकार भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार अधिकार का अंकन करना चाहिए। जागर और स्वप्न में हम आप क्या होते हैं? सगुण साकार होते हैं। मांडुक्य उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा है, मनन से प्राप्त होता है। हजारों तथ्य जो हैं वो मनन से प्राप्त होते हैं। आत्मानम चेत विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। बृहदारण्यक उपनिषद का तो छोटा सा वचन है ना, लेकिन पंचदशी कार जी की मनन शक्ति कितनी तीव्र थी। इससे चिदाभास की सात भूमिकाओं को निकाल लिया। 300 के लगभग श्लोकों के माध्यम से केवल इस वचन का तात्पर्य अभिव्यक्त किया विद्यारण्य स्वामी जी। क्या आत्मानं चेद विजानी याद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संज्वरेत। अर्थ बहुत सीधा साधा लगता है। अपने आप राग रागनी निकालना चाहे इस वचन से तो हम लोग निकाल सकते थे। चिदाभास की सात अवस्थाओं का इसमें वर्णन है, हम आप नहीं निकाल सकते। कूटस्थ तत्व का वर्णन है, यह भी निकाल सकते। और आत्मा की अद्वितीयता का प्रतिपादन है, यह भी नहीं निकाल सकते। तो मननी शक्ति तीव्र होनी चाहिए, ऐसी सूक्ष्म होनी चाहिए कि वह निर्धर्मक तत्व तक पहुंचने में किसी प्रकार संकोच का अनुभव न कर सके। तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने अपनी तपस्या के बल पर मेधा शक्ति को इतनी उद्दीप्त की कि छोटे से वचन से उन्होंने कितना अभिप्राय व्यक्त किया, सबके सब शास्त्र सम्मत। इसी प्रकार मांडुक उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं। जागृत में जीव को सप्तांग कहा गया, स्वप्न में भी सप्तांग कहा गया। इसी से निष्कर्ष निकलता है कि जागर दशा में हम आप अर्थात जीव सगुण साकार होते हैं। या जो शरीर है सप्तांग है, व्यष्टि में भी समष्टि में भी। द्युलोक शिरोभाग है, सूर्य चंद्र नेत्र स्थानीय है, अग्नि मुख स्थानीय है। इस प्रकार विचार करें तो सप्तांग जो पुरुष है वह सगुण साकार सिद्ध होता है। जागर दशा में हम आप सगुण साकार हैं। अब एक विचित्र बात है, यह स्थूल शरीर सगुण साकार है, इसमें तादात्म्य पत्ति के कारण हम सगुण साकार माने जाते हैं और स्वयं को मान बैठते हैं। तत्वता तो निर्गुण निराकार ही है, परंतु सगुण साकार शरीर में तादात्म्य पत्ति के कारण हमारी सगुण साकार संज्ञा होती है। अब एक और विचित्र बात है, पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है, गुणों का कार्य है, त्रिगुणमयी प्रकृति का कार्य है, इसलिए सगुण है। और अतीन्द्रिय है, नेत्रों का विषय है, इसलिए निराकार भी है। कर्मेन्द्रियां भी सगुण निराकार, ज्ञानेन्द्रियां भी सगुण निराकार, प्राण भी सगुण निराकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण भी सगुण निराकार। लेकिन सदा तद्भाव भाविता, अब ये भी एक मनन है। भगवद गीता में जहाँ कहा गया सदा तद्भाव भाविता, प्रसंग के बल पर तो बहुत सीमित अर्थ इसका है। प्रसंग से उठा लें तो बहुत विस्तृत अर्थ होता है। मांडुक्य कारिकाकार ने संपूर्ण वैतथ्य प्रकरण की संरचना बस इस सूत्रात्मक वचन के आधार पर की, सदा तद्भाव भाविता। मांडुक्य कारिकाकार श्री गौड़पादाचार्य जी महाभाग की मननी शक्ति कितनी तीव्र थी, सदा तद्भाव भाविता, इतने से अंश का मनन करके उन्होंने एक वैतथ्य प्रकरण
की संरचना कर ली तो हमने क्या संकेत किया, यद्यपि समग्र सूक्ष्म शरीर विचार करने पर सगुण निराकार सिद्ध होता है, लेकिन वासना की प्रगल्भता के कारण उस समय भी हमको आपको व्यवहार संपादन के लिए एक साकार शरीर प्राप्त होता है जिसमें हमारी आपकी तादात्म्यापत्ति अर्थात अहमिति होती है। देवदत्त यज्ञदत्त आदि के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी व्याघ्र के रूप में भी अपने आप को देखते हैं। तो स्वप्नावस्था में भी हम आप अंतश्चिंतित बपु के बल पर सगुण साकार हो जाते हैं। जब वृंदावन की रसोपासना का अंतरंग शब्द है अंतश्चिंतित बपु, अयोध्या इत्यादि में इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं है, अपने अपने अयोध्या श्री अयोध्या की उपासना प्रक्रिया है, पद्धति है, वहां बहुत सी शब्दावली है जिसकी प्रसिद्धि ब्रज में नहीं है, और यहाँ के रसिकों ने गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय आदि, वल्लभ संप्रदाय आदि के रसिकों ने बहुत से शब्दों की संरचना की, भावों की अभिव्यक्ति की, जो ब्रज मंडल के बाहर किसी किसी के पास ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त है, अन्यथा नहीं प्राप्त है। तो अंतश्चिंतित वपु यहाँ की रसोपासना का अंतरंग शब्द है। हम आप भी वासना की प्रगल्भता से सगुण साकार शरीर प्राप्त कर लेते हैं स्वप्नावस्था में, तैजस होते हुए सगुण निराकार होते हैं, लेकिन उस शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण मांडूक उपनिषद उस समय भी हमको सप्तांग एको नविंशत मुख मानती है। सात अंगों वाला, 19 मुखों वाला कौन होता है? तैजस। सप्तांग को लेते ही हम सगुण साकार हो जाते हैं। अंतःकरण सगुण निराकार है, ज्ञान इंद्रियां सगुण निराकार है, कर्म इंद्रियां सगुण निराकार है, प्राण सगुण निराकार है, लेकिन आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निर्दित मन वासना की प्रगल्भता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। मैं कहां से बोल रहा? छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य 8वें अध्याय से। ये क्यों बताया? अनुसंधान करना कोई चाहे तो उनको सुगमता प्राप्त हो। हम लोग जहां से जो सामग्री लेते हैं बता देते हैं, क्योंकि बहुत परिश्रम करके ये सब चीजें मिली हैं, उसमें भी ये नहीं लगता कि मेरे परिश्रम से प्राप्त हुई है, अनुग्रह से प्राप्त हुई है, हर गुरु की करुणा से प्राप्त हुई है। लेकिन श्रीमद् भागवत में नव योगीश्वरों के लिए लिखा श्रमणा वात रसना, वात रसन थे दिगंबर थे, दिशा ही उनके वस्त्र, वात रसना माने वात रसना कौन थे? दिगंबर थे, श्रमणा श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या का वो हृदयंगम किया था। तो भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी अध्यात्म विद्या को आत्मसात करने में उनको पर्याप्त श्रम करना पड़ा। अब आजकल हम सोचे कि बच्चे खाते में सब मिल जाए, श्रम से वंचित होकर संभव नहीं। श्रमणा वात रसना श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या को आत्मसात किया। तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निर्दित मन ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। निद्रा दोष के वशीभूत होकर इतना आम सामने लक्षण बनाने में कहां से लिया? चरक संहिता। चरक संहिता में स्वप्न के सात हेतुओं का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, दो बार हमने उसका अध्ययन किया है शंकराचार्य होने के बाद, और विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में एक बार आंशिक अध्ययन किया था। लगभग 3 बार का अध्ययन है चरक संहिता भगवत कृपा से मैं
चूर्ण बनाने की प्रक्रिया छोड़कर जितना दार्शनिक विभाग है सब प्रेम से पढ़ा सकता हूँ। तो चरक संहिता में स्वप्न के साथ हेतु बताए गए, इसलिए हमने कहा आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष की प्रगल्भता के कारण जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। तो स्वप्नावस्था में भी हम स्वगुण साकार होते हैं। गाढ़ी नींद में किसी प्रकार का अंतः चिंतित या बाह्य सप्त धातुमय या मनोमय विग्रह की हमें प्राप्ति नहीं होती। मलिन सत्गुण प्रधाना प्रकृति जिसको अविद्या कहते हैं उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण सुसुप्ति में हम सगुण निराकार होते हैं। ठीक, गाढ़ी नींद तक शास्त्र को पहुंचाइए, गुरु को पहुंचाइए, इष्ट को पहुंचाइए, अपने को पहुंचाइए, किस रूप में पहुंचोगे? गाढ़ी नींद तक शास्त्र को पहुंचाना चाहें किस रूप में पहुंचोगे? गुरु को पहुंचाना चाहें गाढ़ी नींद में किस रूप में उनकी पहुंचोगे? स्वयं को पहुंचाने पहुंचे हुए तो हैं, गाढ़ी नींद में स्वयं पर दृष्टि डालें उस समय में दृष्टि डाल सकते, लेकिन गाढ़ी नींद की जो स्मृति है उसके आधार पर सुसुप्ति में हमारा क्या स्वरूप अवशिष्ट रहता है? वह स्वरूप परिपूर्ण है या पूर्ण है उस पर विचार करना चाहिए। तो गाढ़ी नींद में अविद्या और अविद्या वृत्ति सगुण निराकार होती है, उसमें तादात्म्यापत्ति या विनिवेश के कारण हम आप सगुण निराकार होते हैं। अहमिति का उच्चारण मैंने नहीं किया, गाढ़ी नींद में अहमिति की गति नहीं है, इसलिए हमने कहा अभिनिवेश तो है, तादात्म्यापत्ति तो है, अहंग्रह निरपेक्ष तादात्म्यापत्ति अभिनिवेश का स्वरूप गाढ़ी नींद में प्रकट होता है। जागर और स्वप्न में अहमिति पूर्वक अभिनिवेश और तादात्म्यापत्ति की सिद्धि होती है, और सुसुप्ति में अहमिति निरपेक्ष तादात्म्यापत्ति अभिनिवेश की सिद्धि होती है। अभिनिवेश अभिनिवेश में भी अंतर है, जागर और स्वप्न में अध्यास है, गाढ़ी नींद में अध्यास की पहुंच नहीं है, केवल अविद्या वृत्ति है। और एक विचित्र बात है, ये सब क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 32 साधक मुझ साधक के पास नैमिषारण्य थे, 25 एकड़ जंगल में हम साधन करते थे, कराते भी थे। 25 एकड़ के जंगल में जिनको रखना चाहते थे हम वही रह सकते थे। तो साधकों की गतिमति स्थिति से बहुत निकटता है, और अपनी अपने मन के भी नखरे को जानते हैं गतिमत स्थिति। इसलिए आजकल अपने आप को साधन का मार्ग प्रशस्त करने बहुत कठिन है। तो जो हाथ पांव चलाना चाहते हैं, बुद्धि चलाना चाहते हैं इस मार्ग में, उनकी सेवा हम किस प्रकार करें? तो प्रवचनों में मनन के संदर्भ में जो तथ्य प्रकाशित हुए उनको प्रकट करने पर उनके मार्ग में हम सेवा दे सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। इस अभिप्राय से गूढ़ रहस्य भी प्रायः सांकेतिक शब्दों में हम सभा में बता देते हैं। दूसरी बात है कि आजकल जिज्ञासा का लोप है, जो सामने दिखता है वो तो ऐसा अपने को व्यक्त करता है अपवाद स्वरूप छोड़ के कि 50 साल वो मुझको पढ़ाएगा तो वाणी ही लुप्त हो गई या नहीं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज एक संस्मरण सुनाते थे, कोई दिग्गज विद्वान उनके पास आए, मैं आपसे श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहता हूँ।
स्वामी जी ने उनके अधिकार का परीक्षण करने के लिए कहा, आप तो स्वयं अत्यंत विद्वान हैं, वरिष्ठ विद्वान हैं, आप मुझसे क्या भागवत पढ़ेंगे। बस उन्होंने अपने वैदुष्य का प्रदर्शन पंडित जी ने शुरू कर दिया, या जो भागवत पढ़ने आए थे। महाराज ने सोचा कि पढ़ाने से छुट्टी मिली, चलो। इसका अर्थ क्या है? आजकल होता यही है, या तो व्यक्ति के बुद्धि का स्तर ऐसा नहीं है कि प्रश्न कर सके, जिज्ञासा कर सके, या अहंकार इतना बड़ा है कि कुछ जानता भले ही न हो, जानने की भावना लुप्त है। मैं जब पूज्य गुरुदेव से वाराणसी में पढ़ता था, धर्म सम्राट महाभाग से, तो मेरे अतिरिक्त एक दो और व्यक्तियों के अतिरिक्त सब विभागाध्यक्ष ही प्राय उनसे पढ़ते थे। मुसलगांवकर, गजानन जी, सुब्रह्मण्यम स्वामी जी, ये सब। कभी कभी पूज्य वामदेव जी महाराज जैसे विरक्त विद्वान संत भी आकर भामती में जो मीमांसा परक वचन है उनका अर्थ पढ़ने के लिए आते थे, लगातार आते थे। स्वामी वामदेव जी महाराज लगभग एक महीने तक महाराज से पढ़ने आते थे, मुझे याद। तो मैं ही डिग्री डिप्लोमा वाला या विभागाध्यक्ष नहीं था, लेकिन मैंने एक ईमानदारी का परिचय दिया। जो नहीं समझ में आता था विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर देता था। वहां मेरे सामने एक प्रश्न था कि स्वयं को विद्वान सिद्ध करने के लिए अपनी मूर्खता को छिपा के रखूं या प्रकट करूं। मूर्खता को प्रकट करूंगा तो विभागाध्यक्ष सब बैठे हैं, हंस भी सकते हैं। मैंने सोचा मूर्खता तो करोड़ों जन्मों तक कष्ट देगी, ये तो इसी समय हंसेंगे। इसलिए जो नहीं आता था वे खट के पूछ देता था, भगवान मुझे नहीं समझ में आता, इसका अभिप्राय क्या। महाराज बड़े लार प्यार से बिना डांटे हुए पढ़ाते थे। एक बार मेरे प्रश्न पर हंसे भी ठहाका मार करके। उन्होंने कहा कि अमुक 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 दार्शनिकों का जो आत्म तत्व है वो गुरु है। तो हमने कहा, फिर कहा उन्होंने, नाखून के अग्रभाग में करोड़ों आत्मा है, उनके प्रस्थान न्याय वैशेषिक योग पूर्वमीमांसा के अनुसार और उत्तर मीमांसक भी पूर्व मीमांसक भी आत्मा को विभू मानते। उनका जो आत्म तत्व है विभू होता हुआ देह परिच्छेद परिच्छिन्न होने के कारण असंख्य है, विभू भी है और असंख्य भी है। तो हमने कहा कि एक आत्म तत्व दूसरे को धक्का नहीं देता। आप कह रहे कि नाखून के अग्रभाग में उन प्रस्थानों के अनुसार करोड़ों आत्मा है। तो महाराज बहुत हंसे। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि तोतली वाणी सुनकर जैसे माता पिता हंसते हैं, मुझे ये नहीं लगा कि महाराज ने मुझे मूर्ख समझा, और समझा भी नहीं, बहुत लार प्यार से पढ़ाया। उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक जो वस्तु होती है वो देश के परिच्छेद से शून्य होती है ना, तभी तो उसको व्यापक कहेंगे, वो जगह नहीं छेपती। अब ये जो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती, इससे तो मुझे संस्था चलाने में बहुत सुगमता हो गई। किसी जगह जाओ, हम तो अधिकतर दूसरों के आश्रमों में रहे हैं, कि शंकराचार्य के पद पर आने के पूर्व अभी भी अपने आश्रम में नहीं रहते। हम तो पूर्वाचार्यों का मठ मानकर उसका संचालन करते हैं, अपने को मठाधीश या शंकराचार्य मानकर संचालन नहीं करते। पूर्वाचार्यों को शंकराचार्य मानकर आदि शंकराचार्य की सेवा समझकर मठ का संचालन करते, मठ का अधिपत समझकर स्वयं मठ का संचालन नहीं करते। मन में कभी भाव ही नहीं आता कि मेरा मठ, आदि शंकराचार्य का मठ है, हम उसकी सेवा में नियुक्त हैं उनके अनुग्रह से। तो कोई कहीं जाए, अगर यह नियम मालूम है कि विभु वस्तु जगह नहीं छेपती, वो अपने आप को क्या करेगा, व्यवस्थित कर लेगा, अंग्रेजी में बोले तो फिट कर लेगा, फिट हो जाएगा कहीं भी। और जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत था वो जगह छेकता है, परिच्छिन्न हो गया ना। अगर यह मालूम पड़ जाए कि मैं सुखी हूं, तो सुख सीमित होगा या असीम?
परिच्छिन्न अहम के घर में दैवी संपत्ति आने पर भी आखिरी संपत्ति बन जाती है। जिसको यह पता है कि मैं सुखी हूँ उसके पास सुख बहुत स्वल्प है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं विद्वान हूँ उसके पास विद्या बहुत स्वल्प है। तभी तो मानता है मैं विद्वान हूँ। विद्वान में कोष में तादात्म्य पत्ति है या नहीं? जिसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूँ, मनोमय कोष में तादात्म्य पत्ति है या आनंदमय कोष में? इस पर सायणाचार्य जी का जो तैतृय उपनिषद पर भाष्य है वो देखना चाहिए। शाखा भेद से तैतृय उपनिषद पर जो सायणाचार्य महाभाग का भाष्य है, फलात्मक आनंदमय कोष जिसको प्रिय मोद और प्रमोद कहते हैं, उसको किस कोष के अंतर्गत रखना चाहिए? है तो आनंदमय कोष, लेकिन प्रिय मोद प्रमोद की स्फूर्ति मनोमय कोष को लेकर होती है। द्वंद्वात्मक सुख दुख मन में रहता है और द्वंद्व रहित केवल सुख आनंदमय कोष में है, या भेद वहां पर है। मेरा एक ग्रंथ है सायण भाष और शंकर भाष दोनों को मिलाकर पंचकोश पर, छपने का योग नहीं लगा, कहीं अलमारी में है। तो मैंने संकेत किया कि स्वप्नावस्था में भी जीव तादात्म्यापत्ति के बल पर सगुण साकार होता है। सुसुप्ति का वर्णन कर रहा था, ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुखानुभूति तो है सुसुप्ति में, तभी तो वित्थान दशा में व्यक्ति कहता है सुखम हम अश्वापसम, मैं सुख पूर्वक सोया। लेकिन अहंग्रह निरपेक्ष सुखानुभूति है या नहीं? अहम न हो सुखानुभूति हो, अहम के गर्भ में सुख नहीं है। सुसुप्ति के सुख का कितना महत्व हो गया। इस समय अहम सुखी अहम दुखी, कर्ता हम भोक्ता हम, अहम कर्ता मम कर्म, इस प्रकार के भाव उदित होते हैं। सुसुप्ति में हम अनुभविता हैं, भोक्ता हैं, लेकिन अहंग्रह पूर्वक नहीं, और ज्ञाता हैं अहंग्रह पूर्वक नहीं। साक्षात ज्ञान स्वरूप होकर साक्षात सुख स्वरूप होकर रहना तो कठिन है ना, वो तो सुसुप्ति से अतीत है। पहले अहंग्रह शून्य भोक्ता होना तो सीखे। क्या अहंग्रह शून्य भोक्ता कब होते हम? सुसुप्ति में होते हैं ना। सुख माम स्वापसम न किंचित अवेदिसम माम्यहम नाद्यासिसम, इस प्रकार का जो परामर्श या स्मरण होता है सुसुप्ति टूट जाने के बाद, यहाँ अहम 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 का उल्लेख है, लेकिन सुसुप्ति में अहंग्रह पूर्वक अनुभव होता ही नहीं है। अगर सुसुप्ति में अहंग्रह पूर्वक अनुभव हो तो सुसुप्ति का नाम स्वप्न हो जाए, सुसुप्ति ही न रहे। अहम च प्रसुप्त, अहम तो सो जाता है। तो सुखानुभूति तो होती है, लेकिन अहम निरपेक्ष भोक्तृत्व का पहले उदय होना, तब तो सर्वथा भोक्तृत्व का विलोप होगा और अहम निरपेक्ष ज्ञातृत्व का उदय हो। अज्ञान और सुख के हम ज्ञाता होते हैं सुसुप्ति में, लेकिन अहंग्रह पूर्वक नहीं। अहंग्रह निरपेक्ष ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व का उदय होना चाहिए जीवन में, कितना सुख मिलेगा। अहंकार का बोध जो लादे फिरते हैं, अच्छा ममता भी नहीं होती, अहमता नहीं होती, ममता नहीं होती, इसलिए अध्यास भी नहीं होता। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास की परिभाषा की अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता, इसका नाम अध्यास है। सुसुप्ति में न अहमता होती है न ममता होती है, उससे ऊपर अध्यास से ऊपर की भूमि में अनुभूति होती है, सुखानुभूति भी अज्ञान की अनुभूति भी। तो सुसुप्ति में अविद्या वृत्ति या विद्या में तादात्म्यापत्ति या विनिवेश के कारण हम क्या हो जाते हैं? सगुण निराकार। और अगर कारण शरीर का भी अपनोदन या निरसन कर लें या व्यावृत्ति हो जाए, तब क्या होते? अपने आप में क्या होते? निर्गुण निराकार। यह हुआ न क्रम। इसलिए असतव रूप वखानो जानो पुन पुन सगुण ब्रह्म रति मानो भरी लोकचन विलोक अवदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा
तो यहाँ पर विभूति के माध्यम से भगवत तत्व के अधिगम, भगवत तत्व की धारणा का मार्ग क्या हो सकता है, अर्जुन ने प्रश्न किया था दसवें अध्याय में। केशु केशु च भावोश भावेशु चिंत्योश भगवन मया विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्त ही श्रीनोतो नास्ति में मृतम, तृप्ति नहीं हो रही और कहिए। बाद में भगवान ने कहा एकांश न स्थितो जगत, दिव्य विभूतियों का आलंबन लेकर मन को अत्यंत दिव्य और सूक्ष्म करना चाहिए, उसके बाद उन विभूतियों से भी मन को कर्षित करके विभूतियों के बीज योग में मन को लगाना चाहिए। एताम विभूतिम योगम च, विभूति का अर्थ है क्रियासार, वस्तुसार, भावसार, और बस इतने क्रियासार वस्तुसार भावसार का नाम है विभूति। उस विभूति की अभिव्यक्ति होती है योग माया के माध्यम से। अब भगवान रह जाए माने ब्रह्म रह जाए या आत्मा रह जाए और योग माया रह जाए, विभूति का चिंतन छूट जाए, वहां मन को रमाना चाहिए। उसके बाद योग माया का भी सूक्ष्म बुद्धि से निरसन करके केवल ब्रह्मात्मक आत्म तत्व में, भगवत तत्व में मन का सन्निवेश करना चाहिए। यह जो है विधा है, परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति होती है। इसी संदर्भ में पंद्रहवें अध्याय का वचन है, भगवान शंकराचार्य महाराज ने चार श्लोकों को विभूति से संस्पृष्ट माना है। चार जो श्लोक हैं यदादित्य गतम तेज आदि, भगवान शंकराचार्य ने कहा यह विभूति, भगवान की विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया है। तो भगवान ज्योति स्वरूप है, किस प्रकार की ज्योति है, तो भगवद गीता के 13वें अध्याय में वर्णन आया, ज्योतिषा मपिता ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ज्योतियों की भी ज्योति भगवान है, अधिभूत ज्योति, अधिभूत ज्योति, उससे प्रत्यक कौन है, अध्यात्म ज्योति, उससे भी प्रत्यक है अधिदैव ज्योति। श्री नीलकंठ जी ने इस श्लोक का अर्थ अधिदैव प्रधान किया, मधुसूदन सरस्वती जी ने बिल्कुल शंकराचार्य जी का अनुगमन करके अर्थ किया, लेकिन नीलकंठ जी अधिदैव प्रधान मानकर ज्योति का अर्थ आदित्यगत चंद्रगत अग्निगत ज्योति, विद्युत का वर्णन यहां नहीं, तीन का वर्णन है, नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, वहां पर विद्युत सहित चार ज्योतियों का वर्णन है। तो अधिभूत अधिभूत ज्योति, अध्यात्म ज्योति, उससे प्रत्यक है अधिदैव ज्योति, उससे प्रत्यक क्या है जीव ज्योति, उससे प्रत्यक क्या है माया ज्योति, उससे प्रत्यक क्या है मायोपाधिक मायाधिष्ठान भगवत ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति। तुलसीदास जी ने एक वचन लिखा, उस ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का अध्ययन किए बिना उसका अर्थ नहीं लगता, एक अधिकरण का ही सार गिने चुने शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा, विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते, चारो भाई एक से एक सचेता, दर्द भी तो सचेता, एक ही जगह सही रखने से और लुनी पुण्य हो जाए, विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। एक वचन है भाष्यकार का माना जाता है, कोई कोई विद्यारण स्वामी जी का मानते हैं, चाहे श्री भाष्यकार का हो दिग्दृश्य विवेक, चाहे विद्यारण स्वामी जी का हो, श्री भाष्यकार के नाम पर प्रसिद्ध है, रूपम दृश्यम लोचनम वित तदृश्यम वित्त मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, यहाँ अधिदैव का वर्णन नहीं है, लेकिन ब्रह्मसूत्र में
एक अधिकरण है जहाँ शंकराचार्य ने अधिदेवक ज्योति का वर्णन किया है। अब छांदोग्य उपनिषद में तो बहुत से ऐसे प्रसंग है, किसी राज्य ने सबको मिलाकर लिखा विषय, विषय कहते अध्यात्म अधिभूत को, जिसको हम अधिभूत कहते हैं उसी का नाम विषय, करण कहते अध्यात्म को, सुर कहते अधिदेव को, तृप्ति हो गई। विषय करण सुर अधिभूत अध्यात्म अधिदेव, और फिर आगे क्या किया जीव, क्रमशः परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से ज्योतियों का वर्णन। विषय उद्भाषित है किससे, करण से। विषय क्या है, किसी के उद्भाषक नहीं होते, उद्भाषित ही होते हैं। करण के द्वारा विषय उद्भाषित होते हैं, करण अपने अधिदैव के द्वारा उद्भाषित होते हैं। अधिदैव से भी उत्कृष्ट ज्योति का नाम है जीव, या एक आसन से मत डोल रहे तो एक पीए मिलेंगे। लो जी 5 मिनट ज्यादा हो गया, आज कंप्यूटर लेके बैठ गए, और श्रीजीव गोस्वामी जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की जो टीका है वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, उसमें अभीष्ट अंश का हिंदी अनुवाद मन में सोचकर कंप्यूटर पर करने लगे, 10 मिनट उसमें विलम्ब हो गया। हम लोगों की स्थिति बहुत दिक्कत होती है, मन लगता है तब तक कोई कार्य आ जाता है, इसीलिए वो पागल जैसे होते हैं अनुसंधान करने वाले। हम लोगों को तो राष्ट्र का भी दायित्व निभाना है, समय सत्संग में जाना है, प्रवचन करना है, गोष्ठी है, और जो लगन लग जाए लिखने में, जब मन रस विभोर होता है, डूब जाता है विषय में, तब होता है अमुक काम करना, तो वहां से मन को निकालो, फिर लिखने लगे तो वो भाव आवे या न भावे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने हमको बहुत संभाला। एक बार औरों की दृष्टि में अस्वस्थ से थे, हमारी दृष्टि में अस्वस्थ थे नहीं, अस्वस्थ थे से थे औरों की दृष्टि में, तो बोलने में बहुत कठिनाई होती थी, एक दो वाक्य ही दिन में बोलते थे। एक बार मैं बैठा था, कल्याण के संपादक जो आजकल मेरे गुरु भाई हैं राधेश्याम खेमका जी आ गए, उनको महाराज के स्वास्थ्य का ठीक से पता नहीं था। उन्होंने पूछ दिया महाराज पंचकोश क्या चीज है। मैं बैठा था, राजेश्याम खेमका बैठे थे, महाराज तो थे ही, उन्हीं के सानिध्य में था। महाराज ने मेरी और मुख्य का पंचकोश पंचकोश, दो बार मुझे नहीं समझ में आया कि मुझसे कह रहे कि कहो, तीसरी बार का हूँ पंचकोश, हमने कहा क्या भगवान मुझे आज्ञा है, तो मैं 45 मिनट तक बच्चे की तरह बोलता ही गया, बीच में रुका ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि पहली बार बेटा कहा, ये सब बोलते नहीं थे, बेटा अभी जाओ नीचे, बुद्धि पर कभी भरोसा मत करना, जो तुमने कहा वो सब शास्त्र सम्मत है लेकिन कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं। दोनों बात कही, शास्त्र विरुद्ध तुमने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कोश के बारे में सब शास्त्रों को तत्व लो ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। यह विज्ञान रहे या न रहे अभी जाकर लिख लो, लिख लोगे तो फिर बात बन जाएगी, नहीं तो अपना चिंतन भी कब साथ दे कब न दे कह नहीं सकते। फिर का इस प्रकार के जो भी भाव आ गए लिखते जाना, कह नहीं सकते बुद्ध कब काम दे कब न काम दे। हम आप तो होते क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक कहा महाभारत अनुगीता पर, भगवान श्री कृष्ण से किससे कहा अर्जुन ने, महाराज आपने गीता का उपदेश दिया उसके बाद तो युद्ध में लग गया, मार काट मनन का अवसर नहीं मिला, मैं भूल गया, एक बार पुनः मुझे गीता का उपदेश कर दीजिए। अनुगीता पर्व है महाभारत में, भगवान ने डांट लगाई, फिर गुरु जी ठहरे, अरे तुम बहुत बहिर्मुख हो, वो जो ज्ञान था बोलने योग्य था। फिर क्या कहा भगवान ने, बहुत ऊंची बात,
अब मैं भी चाहूं तो गीता का उपदेश फिर नहीं कर सकता। ये भगवान का वचन है, मन गीता। मैं भी चाहूं तो गीता का उपदेश नहीं कर सकता। आत्मयोग में स्थित होकर मैंने उपदेश किया था, अब मेरे मुख से दोबारा गीता निकलने वाली नहीं। कुछ आख्यायिकाओं का आलंबन लेकर, कुछ इतिहास का आलंबन लेकर तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करता हूँ, उसी को तुम गीता मान लो। उसका नाम है अनुगीता। लीजिए, तो भगवान ये कह सकते हैं, लीला है, भगवान यह कह सकते हैं कि दोबारा मैं भी गीता का उपदेश नहीं कर सकता। तो कुछ गुरुदेव ने कहा कि जो भाव आता है दोबारा आ ही जाएगा, ये नहीं कह सकते। इसलिए इन सब दिव्य भावों को गुंफित करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो आज हमने कहा सुसुप्ति में जितना सूक्ष्म जीव होता है, उस स्तर की भावना जब जागर दशा में व्यक्त हो जाए तब सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन ठीक से होता है। ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये आर्य समाज क्यों फिसल जाते हैं? प्राय इनके ईश्वर योगी, इनके ईश्वर सगुण निराकार है। इनमें कोई ऐसा नहीं जिनका ईश्वर सगुण साकार हो। इसके ये भाव भावेश्वर मंदिर है ना, यहाँ पर पहले तो महाराज का प्रतिबंध था, मेरे अलावा सुबह कोई नहीं बोल सकता, प्रतिबंध था। हम इन्हें अनुनय विनय करके बहुत चेष्टा करके 5-7 दिन तक वामदेव जी महाराज, श्री वामदेव जी महाराज को कहा साहब आप नहीं मानते हो तो ये भी बोले, किसी को बोलने का अब हम अनुपस्थिति में तो नहीं बोलता, तो उपस्थिति में भी किसी का बोलना हो उनको पसंद नहीं। इतना तो उस समय महाराज की अनुपस्थिति थी, बंबई में थे। 90 दिनों तक 1-1 घंटा अवतारवाद पर यहाँ प्रवचन किया था। उसमें बोलते समय एक रहस्य निकला जो आज भी मेरे लिए रहस्य है। जिन दार्शनिकों का, विचारकों का, पंथाइयों का, कुछ भी कह दें, मजहब परस्त व्यक्तियों का ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण भी नहीं है, अभिनिमित्त उपादान कारण नहीं है, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है, ऊपर निर्गुण नहीं होता, नीचे साकार नहीं होता। इसलिए अब ये जो आर्य समाजी है इनका ईश्वर सगुण निराकार है। अब साकार तो मानते नहीं और मन में क्षमता नहीं कि निराकार का दर्शन चिंतन कर ले, तो फिर बुरा न मानो होली है, फिर ये स्त्री आदि में ही रमे रहते हैं, धन अपना गला घोंट लिया ना, क्योंकि आपकी योग्यता सगुण साकार की उपासना की है और आप साकार मानते हुए बात मानते ही नहीं, तो इन लोगों का फिर उत्कर्ष नहीं हो पाता। घुमा फिरा कर ये कब्र की पूजा तो कुछ न कुछ विकल्प ढूंढ लेते, मन विकल्प ढूंढ लेता है। इनका सिद्धांत विकल्प ढूंढे या न ढूंढे, मन विकल्प ढूंढ लेता है। इसलिए आज के प्रवचन का सार यह हुआ, ये विभूति है, यदा दित्य गतम तेजो जगत भाष होते खिलम, यद चंद्रमस यद चागनौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ये तो केवल वस्तु स्थिति को व्यक्त करने की भूमिका होगी, भगवत कृपा से योग सदा तो कल इसकी व्याख्या होगी। ये भी व्याख्या आवश्यक, अधिकार संपदा का अंकन, क्यों आदित्य का, अग्नि का, चंद्रमा का आलंबन लेकर भगवान ने अपने तेज का वर्णन किया? इसलिए कि ये सत्व प्रधान है और भगवत तेज के अभिव्यंजक दिव्य संस्थान है, अतः इनका आलंबन लेकर वो सर्वथा मन वाणी से अतीत तेज का अधिगम प्राप्त करना चाहिए। हर हर महादेव।